क्रिसमस ट्री हमारे सुख शांति का प्रतीक है। अच्छा जी, साल भर का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, तो हम खुशी मनाते हैं। त्यौहार तो भाई लोगों के जीवन में खुशियाँ लाता है, खुशियाँ भाई साल भर दुख सुख सब झेल के। क्रिसमस ट्री खुशहाली का प्रतीक होता है सभी लोगों के लिए, इसलिए क्रिसमस ट्री लगाया जाता है उस दिन। इसमें मतलब ये एक त्यौहार का एक जो प्रतीक माना जाता है ये क्रिसमस ट्री को, कि भाई ये अपने मतलब धर्म का अपने एक जो भी है मतलब अपना सिस्टम उसका एक वो प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ कांसाबेल के बाजार में, और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ इन दिनों क्रिसमस का बाजार एकदम से गर्म है। आप मेरे पीछे तरफ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सजाने के लिए यहाँ पर फूल रखे हुए हैं, क्रिसमस ट्री भी है, उसके साथ में कुछ और भी है। तो दोस्तों आज हम इस बाज़ार में निकले हैं एक सवाल लेके कि क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री क्यों लगाया जाता है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको क्रिसमस ट्री दिखा देता हूँ कि क्रिसमस ट्री कैसा होता है। तो आप सामने देख सकते हैं ये क्रिसमस ट्री है, ये शंकु आकार का बना हुआ होता है, हालांकि ये कृत्रिम है, इसको बनाया गया है, ओरिजिनल पेड़ नहीं है। और क्योंकि इसका ओरिजिनल पेड़ यहाँ मिलता भी नहीं है, यहाँ किसी भी पेड़ को जो है यहाँ के लोग क्रिसमस ट्री बना करके लगाते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है और ये देखिए ये थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसको इसी तरह से सजाया जाता है। तो आप हर क्रिसमस में देखते होंगे इस तरह का चीज़ें बिकती है, चर्चों में सजाया जाता है। तो आखिर इसका महत्व क्या है, हम लोग इस बाज़ार में आज मार्केट में लोगों से सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस पेड़ का महत्व क्या है। एक ही और दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको, ये तारा भी लगा हुआ है, ये स्टार आप देख सकते हैं, स्टार लगा हुआ है, ये स्टार है। आप यहाँ से स्टार खरीद करके इस तरह से जो है अपने चर्चों में, घरों में, क्रिसमस ट्री में भी इसको लगाया जाता है, कि विभिन्न वैरायटी के विभिन्न प्रकार के जो है यहाँ स्टार रखे हुए हैं। मेरा दुकान को इधर से दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा क्रिसमस के लिए सजाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा है। और नीचे तो एक क्रिसमस ट्री आपको दिखाया और ये तारा भी आपको दिख रहा है, ये तारे लगाते हैं। तो दो सवाल हमारे होंगे, एक क्रिसमस ट्री और दूसरा ये तारा क्यों लगाया जाता है। दोस्तों अगर आप कांसाबेल आसपास के हैं तो आप यहाँ पर आकर के आप क्रिसमस ट्री खरीद सकते हैं, तारा खरीद सकते हैं, साथ ही बहुत से झालर फूल वगैरह लगे हुए हैं, वो सब भी आप सजाने के लिए यहाँ खरीद सकते हैं। और बहुत ही है यहाँ पर और भी सामान खरीदने के लिए दोस्तों। इस दुकान का नाम है 365 सुपर मार्केट, ये जसपुर रोड में आपको मिलेगा, आप यहाँ इसको खरीद सकते हैं सजावट के लिए। कांसाबेल में यही सबसे बड़ा दुकान में अच्छी सजावट, काफ़ी सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो जो भी आपको चाहिए आप आकर के ले सकते हैं 365 सुपर मार्केट कांसाबेल। हाँ, क्रिसमस की खरीदारी चल रही है और जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि कुछ चंद सवाल मेरे पास में हैं जिनको मैं लेके जाऊँगा मार्केट में, और हम आज पता करेंगे कि क्रिसमस ट्री क्रिसमस में क्यों लगाया जाता है। तो हमारे सामने एक मैडम बैठी हुई है और ज़रा हम उससे जानना चाहेंगे। तो मैडम थोड़ा सा बताइए, आप खरीदारी करते? साल भर का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, तो हम खुशी मनाते हैं। त्यौहार तो भाई लोगों के जीवन में खुशियाँ लाता है, खुशियाँ लाता भाई साल भर दुख सुख सब झेल के इस दिन के लिए हम इंतजार करते हैं। तो भाई सब खुश हो के त्यौहार उत्सव मनाने के लिए सब खरीदारी करते हैं, क्रिसमस ट्री के बारे में पूछ रहा। अच्छा, क्रिसमस ट्री के बारे में देखिए, क्रिसमस ट्री अभी मैं क्या बताऊंगी, क्रिसमस ट्री परंपरा से मनाते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं, हमारे क्रिसमस का प्रतीक है, वो खुशी का प्रतीक है। क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं ना? जी हाँ। तो आपसे एक सवाल है, क्रिसमस में लोग कोई देखा गया है लगभग घरों में भी और चर्च में भी क्रिसमस ट्री लगाया जाता है ना? और तो ये क्रिसमस ट्री क्यों लगाया जाता है मैडम, थोड़ा सा बताएंगे? यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए। तो बताओ बेटा, ये क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं? क्रिसमस ट्री पता नहीं, ये तो नहीं पता। अरे तो क्रिसमस कैसे मनाते हैं, पता ही पता करना चाहिए ना क्यों लगाते हैं क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री
कैसे? नहीं पता क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं। अक्सर देखा जाता है क्रिसमस में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, घर में भी लगाते हैं, चर्च में भी लगाते हैं, लेकिन क्रिश्चियनों के अलावा दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है क्रिश्चियन क्रिसमस ट्री क्यों लगाया जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर जानकारी है तो आप लोग बताइए क्यों लगाया जाता है, बताइए जो भी जानकारी है बताइए। क्या? अरे फुल जानकारी नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा जानकारी जो भी है थोड़ा दीजिए ना, हिंट करिए। 113 नंबर तो लाएंगे, 113 हिंट कर दीजिए। अब शुरू से ही वही मान रहे हैं इसलिए वही समझते हैं हम लोग, फिर मना रहे हैं सब शुरू। सर एक सवाल है मेरा, क्रिसमस आने वाला है, अब 2-3 दिन बाद क्रिसमस होगा है ना, तो इसमें देखा गया है कि लोग अपने घरों में हो या चर्च में हो क्रिसमस ट्री लगाते हैं है ना, तो क्रिश्चियन लोग तो इस बात को समझते हैं कि हम क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं रहता है कि क्रिसमस ट्री क्या है और क्यों लगाया जाता है क्रिसमस के दिन में। क्रिसमस का क्या रहता है ना, क्रिसमस ट्री जो लगाते हैं ना वो जो यीशु मसीह का जो यादगारी के लिए लगाया जाता है ना। अच्छा। तो एक्चुअली देखोगे तो ऐसे जसपुर ज़िला में तो बहुत अच्छा क्रिसमस का वो है माहौल है, हाँ, और अच्छा यहाँ पे मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री को क्यों लगाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब है मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका मतलब ये रहता है कि ईसा मसीह का जो जगह पे वो क्रिसमस ट्री जो है ना उसको वो जगह पौधा है एक्चुअली देखोगे तो लेकिन उसका जो मान्यता है तब न रखते हैं है ना। उसका सही मान्यता क्या होगा? वो ईसा मसीह का जो क्या बोलते हैं उसका यादगारी में लगा देते हैं। जन्म क्रिसमस का समय चल रहा है इस समय है ना, और खरीद बिक्री भी बहुत ज़बरदस्त मार्केट में इस समय शुरू हो चुका है, तो अक्सर जो है क्रिसमस के दिन क्रिसमस ट्री लगा करके सजाया जाता है घर को भी और चर्च को भी, तो आखिर बढ़िया से सजाया जाता है ना, बढ़िया सजाया जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्रिसमस ट्री क्रिसमस के दिन ही क्यों लगाया जाता है? क्रिसमस ट्री खुशहाली का प्रतीक होता है सभी लोगों के लिए, इसलिए क्रिसमस ट्री लगाया जाता है उस दिन। एकदम सही जवाब। तो इसको देखते हुए क्रिसमस सबके लिए खुशहाली लेके आए और नया साल सबके लिए नए उम्मीदों के साथ अच्छी चीज़ों को लेके आए, और क्रिसमस ट्री की तरह सभी लोगों का जीवन हरा भरा रहे। मेरा सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विभा रानी एक्का है। अच्छा। मैं सुजी बाहर से हूँ। अच्छा। तो बेटा एक सवाल था मेरा कि क्रिसमस के दिन क्रिश्चियन लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, फिर चर्च में भी लगाते हैं, तो आखिर क्रिसमस ट्री का महत्व क्या है, क्यों लगाया जाता है? क्रिसमस ट्री ना ये सुख शांति का प्रतीक होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, और ये यीशु मसीह का जन्म का उसका भी प्रतीक होता है। हाँ। तो अक्सर देखा गया है क्रिसमस में क्रिसमस ट्री से जो है चर्च को और घर दोनों जगह सजाया जाता है ना, ताकि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री का महत्व क्या? क्रिसमस का बहुत बड़ी महत्व है सर। क्रिसमस ट्री जैसे हम लोग हिंदू में भी कुछ प्रतीक जो रहता है ना, खुशी का जो प्रतीक रहता है, जैसे कोई किसी को चाहता है तो फूल देता है, यानी कि खुशी का जो जाहिर करता है, तो उसी टाइप से क्रिसमस ट्री जो खुशी जाहिर करता है। अच्छा अच्छा जी, तो बहुत ही खुशी का दिन आ गया है क्रिसमस, हम लोग भी बहुत खुश हैं। मेरा नाम है मेरा मोइनुद्दीन खान जी। जी तो सर सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं आपके यहाँ चारों तरफ क्रिश्चियन लोग रहते हैं और अभी त्यौहार का माहौल चल रहा है ना, तो एक चीज़ इसमें खास देखा गया है कि लोग घरों में भी चर्च में भी क्रिसमस ट्री लगाते हैं, शायद आप भी देखे होंगे, शंकु आकार का वृक्ष टाइप का होता है ना, उसको खूबसूरत झालरों से और बल्बों से सजाया जाता है। तो आखिर क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है सर क्रिसमस में? है क्रिसमस ट्री क्यों लगाया जाता है? क्यों सर बताऊं, ये आदमी अपना खुशी के लिए लगाता है इसे। अच्छा, अच्छा। हाँ, साल भर का त्यौहार एक बार आता है। हाँ। उस खुशी के लिए आदमी जो है ना ये सब फुलझड़ी वगैरह कुछ भी लगाता है। हाँ। कि नहीं रंग रोगन है झालर फालर। हाँ। ये अपना खुशी के लिए लगाता है। तो मैडम क्रिसमस की खरीदारी करने आए हैं ना, तो मैं एक सवाल का उत्तर जानना चाहता हूँ है ना, क्रिसमस में जो है घरों में चर्चों में क्रिसमस ट्री लगा करके बहुत खूबसूरत ढंग से क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है ना, कभी कभी देखा गया क्रिसमस ट्री में लोग गिफ्ट भी उसमें लटका देते हैं, तो ये क्रिसमस ट्री का क्रिसमस में क्या महत्व है? क्रिसमस ट्री हमारे सुख शांति का प्रतीक है। अच्छा, अच्छा। जी
और पिता ईश्वर के, पिता ईश्वर ने जो हमें प्रभु येसु दिया है बालक येसु के रूप में, वो क्रिसमस ट्री येसु मसीह, बालक येसु मसीह का प्रतीक है। इस समय मैं आया हूँ गोयल कलेक्शन, जहाँ क्रिसमस के कपड़े काफ़ी ज़्यादा बिक्री होते हैं। चूँकि अभी मैं शाम को आया, थोड़ा अभी ग्राहक कम है, और मैं कल आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, यहाँ ग्राहक काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेंगे। दुकान का साइज आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। तो अक्सर ये देखा गया है कि क्रिसमस के दिन है ना, क्रिसमस ट्री लगा करके घर को भी सजाया जाता है, साथ ही चर्च को भी सजाया जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री का क्या महत्व है? ये है सर, मतलब त्यौहार क्रिसमस में, मतलब ये एक त्यौहार का एक जो प्रतीक माना जाता है ये क्रिसमस ट्री को, कि भाई ये अपने मतलब धर्म का अपने एक जो भी है मतलब अपना सिस्टम, उसका एक वो प्रतीक है, उसी को मतलब उसी को वो मान के उसी की पूजा करते हैं। जैसे अपन मतलब हिंदू लोग में जैसे होता है, अलग अलग अपने सिस्टम के हिसाब से पूजा करता है, वो उनका उसके प्रति प्रेम है या जो भी मतलब मान्यता है उनके हिसाब से, मेरा ये मानना है। सकते हैं काफ़ी बड़ा दुकान है, और यहाँ भी काफ़ी क्रिश्चियन लोग जो है खरीदारी कर रहे हैं इस समय त्यौहार के लिए। और मैं इन्हीं के पास में एक चंद छोटा सा सवाल लेके आया हूँ, और जिनका मैं इस समय उनसे जवाब लूँगा। अभी जो है क्रिसमस की खरीदारी चल रही है आपके दुकान में भी है ना, क्योंकि आपका दुकान काफ़ी बड़ा है, और दिन को तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ भीड़ देखा गया है ना, है ना। मैं भीड़ में नहीं आ पाया है वीडियो बनाने, अभी आया। तो मेरा सवाल था कि क्रिसमस में लोग क्रिसमस ट्री क्यों लगाते हैं? क्रिसमस ट्री इसलिए लगाया जाता है, जैसे कोई भी अपना हो, धर्म कोई भी हो, जैसे क्रिसमस को ट्री का फल का माना गया है, उसमें जैसे फल और गिफ्ट उसी हिसाब से क्रिसमस के लिए वो सजावट के लिए लगाया जाता है, क्रिसमस का वो प्रतीक है क्रिसमस ट्री। दोस्तों, क्रिसमस ट्री जीवन की निरंतरता को बताता है, मतलब अनंत जीवन। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और दूसरा है खुशी और उत्साह को यह प्रदर्शित करता है, आशा और शांति का यह प्रतीक है, और एकजुटता का भी प्रतीक है ये, और नए साल की शुरुआत भी इसे कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इसका यही मतलब है। दोस्तों, आप सबको क्रिसमस की हार्दिक बधाई। जी हाँ दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। तो दोस्तों, जय हिंद और जय भारत।